सो गाइज इसमें हम लोग HDMI ER कनेक्शन करने वाले हैं एंड यू कैन सी इसके साथ साउंड बार के साथ जो है HDMI केबल नहीं आता है और इसमें ऑप्टिकल कनेक्शन का ऑप्शन है, ब्लूटूथ है, ऑक्स इन है. दिस इज़ द पावर पोर्ट, दिस इज द पावर केबल गाइज. सो दिस इज द पावर ब्रिक. सो इसमें जो है साउंड बार में एक LED इंडिकेटर है विच टेल्स अस कि कौन से मोड में है. आई एम अज्यूमिंग कि ये वॉल्यूम भी दिखाएगा. एंड देर इज़ नो इरिटेटिंग स्टार्टअप साउंड विद दिस साउंड बार. कुछ साउंड बार्स में स्टार्टअप पे कंपनी ब्रांडिंग साउंड होती है विच इज़ वेरी इरिटेटिंग. सो दिस इज अ गुड थिंग. विल स्टार्ट विद जीरो वॉल्यूम गाइज. सो लेट मी सो अगेन ये ER कनेक्शन है. ये साउंड बार ERC सपोर्ट करता है, ARC भी सपोर्ट करता है. मेरे टीवी में ERC है सो इट्स यूजिंग ERC. ERC का के दो फायदे हैं, एक तो साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और जो एक और बहुत बड़ा फायदा यूटिलिटी के टर्म्स में वो ये है कि टीवी के रिमोट से आप इसकी वॉल्यूम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं. इसकी इक्वलाइजर सेटिंग्स जो इसके रिमोट पे मिलते हैं वो आप नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, बट मोस्टली हम लोगों को वो नहीं करना होता है क्योंकि सब लोग जो है वो एक ही टाइप की EQ सेटिंग्स यूज करते हैं मोस्टली. एटलीस्ट मैं तो ऐसे यूज करता हूँ. सो लेट्स प्ले द म्यूजिक. वी स्टार्ट विद जीरो वॉल्यूम गाइस. सो आई एम यू कैन सी कि वहाँ पे वो साउंड बार जो है वॉल्यूम दिखा रहा है एंड राइट नाउ इट इज एट 11 एंड आई जस्ट टेक दैट डाउन टू जीरो. सो नाउ इट्स जीरो एंड आई स्टार्ट द म्यूजिक. So let's go. So I will increase it slowly. This is at 4. There is some bass, thodi si, not too much, not a subwoofer level bass, but there is a little bit of bass. I can hear it. Let's step it up to 10. Sound is clear, so let's move to 15 now. Is good, decent loudness, it's not irritating. So I'll move to 20 now. So I have restarted the song, guys, so that we can listen to the same music.